हमारी बहुत ही बड़ी गवाही है। हमारे पूरे परिवार को दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था, तो हमने पास्टर जी को बोला कि आप किसी को भेजिए, तो पास्टर जी ने मांगी भैया को भेज रहे थे, तो दुष्ट आत्मा ने उनको भी रास्ते से वापस भेज दिया। तो हमने फिर पास्टर जी बोले कि आप जहाँ ही आ जाओ, हमने गाड़ी करवा के तो चर्च में गए, तो दुष्ट आत्माओं ने हमको रास्ते में बहुत ही तंग किया कि वापस चलो, हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, इन बच्चों को ऐसे गला से पकड़ लिया, बच्चों का गला घोट दिया। फिर भी हम प्रार्थना करते करते चर्च पहुँचे। हम चर्च पहुँचे तो घर में जो दूसरी हमारी बेटियाँ थी, दुष्ट आत्मा ने सभी घर के मेम्बरों को सभी को जकड़ लिया। तो हम उनको भी वापस गाड़ी लेके गए, उनको भी चर्च में लेके आए। तो हम चर्च में एक रात रहे, पास्टर जी ने प्रार्थना की हमारे पूरे परिवार पे। आज हमारी बच्चियाँ एकदम तंदुरुस्त हैं जी, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, बच्चियां अपने बाल पट लेती थी, अपने मुंह को खरोच लेती थी, इनके अभी भी मुंह पर निशान है। दुष्ट आत्मा इनको सीढ़ियों पे ले जाती थी और नीचे गिराती थी। परमेश्वर ने हम पर बहुत एहसान किया, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो जैसे गवाही दी है, इतनी आसान सी नहीं है बात। इनके ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ था दुष्ट आत्मा का, इनके परिवार के ऊपर। ये छोटी बच्चियां जो हैं, इनमें दुष्टात्मा बातें करने लगी, बोलने लगी, दिखाई देने लगी, इनका गला दबाने लगी। वो पीछे जो एक बहन है उसको भी पकड़ लिया, इनके रिश्तेदार कोई आए हुए थे उनको भी पकड़ लिया, ऊपर सीढ़ियों पर जाकर नीचे धक्का दे रही है, उनको कह रही फांसी ले ले, उसको बोरी बाहर निकल जाए, ऐसा पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा तंग किया दुष्ट आत्मा ने। और कई दिन तंग होते रहे, लेकिन हम लोगों को खबर नहीं दी गई। फिर ये रात को जब एक दो में दुष्ट आत्मा थी, उनको लेकर आ रहे थे गाड़ी भरकर, किराए पे इनोवा की इन्होंने, और रात को कोई 11 बजे 10:30 11 बजे के आसपास वहां आए। तो जैसे ये आ रहे थे, दुष्ट आत्मा बातें कर रही थी भी मैं तो बाकियों को पकड़ लूंगी, तो सच में घर में जो बाकी थे उनको पकड़ लिया। तो अब ऑटो पे इनको छोड़कर उस पे इनोवा पे वो दोबारा फिर जो घर में थे उनको फिर लेने के लिए गए, उनको फिर लेकर आए। हम कहीं बंदगी पर बाहर गए हुए थे, रात को जब आए तो देखा चीख चिहाड़ा मचा हुआ है, रोने की पीटने की आवाज जैसी आ रही है, बहुत बुरा हाल। इतना मतलब मैं आपको कैसे कहूं, मैंने जब से मैंने प्रभु को जाना है 89 से 1989 से 80 और 9 से, तब से मैं इस प्रकार का केस नहीं देखा। दुष्ट आत्मा के केस तो बहुत देखे मैंने, ऐसी दुष्ट आत्मा जिनको 35-35 लोग पकड़ गए थे, जिनको सांकल से बांध कर लेकर आते थे, जिनको रस्से से बांधते थे, वो सब मैंने देखे हैं। लेकिन ये लगी प्रकार का था केस, प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। अगले दिन प्रार्थना होती रही दिन में, और परमिशन फिर पवित्र आत्मा उंडेला, बच्चों पर भी पवित्र आत्मा उंडेला, अन्य भाषा का वरदान भी दिया, और स्वर्ग से इनके हाथों पर तेल आ गया, अभिषेक का तेल। जितने पुराने अपनी चर्च के लोग हैं उन्हें मालूम है, हम लोग प्रार्थना करते थे कि आज प्रभु यीशु मसीह, एक दिन पहले अनाउंस कर देते थे अगले संडे बार को आपको हाथों पे तेल आएगा, और जब कहते थे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आपके हाथ पर और आपके माथे पे तेल लगा रहा है, तो लोगों के हाथ तेल से भर जाते थे, माथे पे तेल निकलने लग जाता था, सबको मालूम है इस बात का। तो उसके हाथों पे तेल आ गया, परमेश्वर ने बहुत बड़ा इनके जीवन में काम किया, और परमेश्वर ने इनके जीवन में तो बहुत, इनके परिवार में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी गांठें जो निकाली हैं, इनके पति के जीवन को परमेश्वर ने बचाया है, इसके सास को परमेश्वर ने बचाया,
इनके परिवार के साथ परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए हैं, लेकिन कई बार ये चमत्कार चर्च से दूर हो जाते हैं और शैतान फायदा उठाता है। सो इस चंगाई के लिए मैं आपको कैसे कहूं, हम लोग रात को जागते रहे बहुत लेट तक, मैं और रमन सब प्रार्थना करते रहे, बेचारे भूखे थे, फिर रात को चर्च में ही रोटियां पकाई, चर्च में ही इनको सब कुछ खिलाया पिलाया और प्रभु की दया हुई, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इतने मतलब ऐसे दिखाई दे रही थी वो, ये दुष्टात्मा वो दुष्टात्मा ऐसे करके बहुत गलत बारे क्या आपको बताऊं, हम लोग बच्चियां थी इसलिए हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं की, अगर रिकॉर्डिंग करते तो आपको दिखाते और आप हैरान हो जाते, मुझे नहीं लगता आपने कोई ऐसा केस देखा होगा, ऐसा भयंकर केस था, ऐसा भयंकर केस था जो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर मसीह ने छुटकारा दिया, परमेश्वर मसीह ने छुटकारा दिया, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हमारे आस पड़ोस वाले सभी हमसे डरने लगे थे, और आपको जब हमारे घर में सुख शांति थी तो सभी हमारे घर में सुबह आए और हमसे पूछा कि आप ऐसी कहां जगह पे गए हो कि आपके घर में इतनी शांति आ गई। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। तो उनको बताना चमत्कार सच में गए थे, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा इसमें है, उसको नकारे, उसमें है, उसमें मतलब दुष्ट आत्मा दोनों में आपस में बातें कर रही है, मतलब क्या कैसे आपको बताऊं, बता ही नहीं सकता। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं।